हाँ जी नमस्कार जी, जय हिंद। मैं हेमराज ठाकरे इस लॉकडाउन में आपके साथ थोड़ी बहुत गपशप मारने आया हूँ। क्या है, थोड़ा टाइम निकालने में दिक्कत होती है ना, तो गपशप मारने से ये होता है कि अपना टाइम भी निकल जाता है, थोड़ा जो स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे आपका लॉकडाउन कैसे चला हुआ है? आप भी ज़्यादातर घर में ही होने, बोर हो रहे होने, तो थोड़ी सी क्या है ना, जो मेरे ब्लॉग होते हैं इसमें थोड़ी सी कॉमेडी होती है। जो मेरे दोस्त लोग हैं वो ये बोलते हैं कि यार जब तेरे ब्लॉग देखते हैं ना, वो उसमें उसको देख के ना हंसी आ जाती है। मतलब जितने भी टाइम का मैं ब्लॉग बनाता हूँ वो पूरे के पूरे ब्लॉग में हंसते रहते हैं। इस लॉकडाउन में उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैं हंसने की। अब मैं बोल रहा हूँ तो खुद खुद हंसेंगे जब देखेंगे। अब देख रहे हैं तो आप हंसेंगे जरूर, कोई बात नहीं। जैसे कि अगर मैं ज़्यादातर क्या होता है, जब मैं ये वीडियो बना लेता हूँ तब इससे क्या होता है, जो मेरा जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जब मैं इसको अपलोड करता हूँ, जब आप लोग देखते हो और लाइक करते हो, तो उससे थोड़ा सुकून मिलता है। सुकून ऐसे मिलता नहीं यार, मैं कुछ कर रहा हूँ। एक जो अकेला इंसान होता है ना, जो उसको कितनी घुटन सी होती है, जब वो चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और जो मेरा जो जो घुटन सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बाकी काम की बातें मैं भी थोड़ी सी इसमें कर लेता हूँ। काम की बात ये है कि मैं बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे मतलब एकदम कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट इसलिए नहीं होता कि जैसे मैं अभी कैमरे को फेस कर रहा हूँ, अगर मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ तो शुरू में क्या होता है, जब मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ तो मैं डरता हूँ यार, मैं कैसे बोलूँ यार, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। धीरे धीरे अगर मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी आदत पड़ गई है कि नहीं यार, नहीं नॉर्मल सी चीज़ है, अब थोड़ी बहुत नॉर्मल हो रही है। मैं इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, मतलब वीडियो देख रहा था और बंदों की भी, जो उनकी जैसे पुरानी पुरानी वीडियो आती रही तो मैं उसमें भी देख रहा था, जिनकी भी 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं उनको उनकी जो वीडियो थी मैं उनको बड़े गौर से देख रहा था। उन बंदों की जो जब वो और उनसे मिल रहे थे तो उस टाइम उनकी जो बात करने का तरीका था, उस टाइम वो भी डर रहे थे कि नहीं यार कैसे होगा। जैसे यार हम छोटे होते हैं एकदम तो चल नहीं सकते ना, चलेंगे गिरेंगे उठेंगे दोबारा कोशिश करेंगे। सेम चीज़ हमारे साथ भी, हम बड़े हैं, मैक्सिमम लोग कैमरा फेस नहीं कर सकते, या 10 बंदों के बीच नहीं बोल सकते। अगर खासकर लड़कियां अगर बीच में बैठी हो तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बंदों के बंदे हो जितने मर्जी, बंदे के सामने तो बोल देंगे, जब लड़कियां बैठी होती है तो मैक्सिमम बंदा डरता है। तो ये चीज़ क्या होती है कि फर्स्ट टाइम तो होगा, सेकेंड टाइम थोड़ा उसे कम होगा, थर्ड टाइम थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। और मतलब आपके सामने भी लाखों के हिसाब से लड़कियां बैठी हो, लाखों के हिसाब से बंदे बैठे हो, आप बेझिझक होके बोलोगे उस टाइम। आपको किसी भी कोई भी स्पीच अगर आपने बोलनी हो तो आप बोल सकते हो, बेधड़क बोल सकते हो। मैं ना आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ, जहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। तो मेरे पीछे का जो व्यू है, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं उसका एक ब्लॉग बनाऊँगा घर से आते हुए। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर।